जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीलाजीत। भाई बहुत अच्छे। हर्षवर्धन बेचारे चार विधायकों की कमी के मारे चाहकर भी हर्षित नहीं हो पा रहे। चार आदमी हमेशा से जीवन में खास रहे, लोग दुख के मौके पर चार आदमी तलाशते हैं, हर्षवर्धन जी खुशी में तलाश रहे। वाह 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 वाह। और शीला जी, उनकी कहीं कोई न्यूज नहीं है। नई दिल्ली सीट के परिणाम से स्पष्ट हो गया, दिल्ली में महिलाएं महफूज नहीं हैं। वाह, हमारा प्रेम अलग है जी। वो एक की लुगाई मर गई पत्नी, बताना पड़ता है भाई, लुगाई मतलब पत्नी। वेरी गुड। तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी पत्नी का एक सुंदर सा चित्र बना दे मेरी लुगाई का। उसने कहा जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा से है। कुरकुरा? अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेरा बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है एवरेज, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है जी। अभी सुधार तो काफी हो गया, लेकिन अभी भी पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे जी। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं ये तकलीफ है जी हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। हमारा प्रेम ऐसा ही है। मैं मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। अच्छा। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। बहुत अच्छे भाई साहब। हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो एक छोरे ने छोरी से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा ऐसा प्रपोजल हरियाणा में मिल सकता है जी? बोले किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ईसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? भाई बहुत अच्छे। तो ये विवाह का मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। तो जब प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे ये बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। भाई कहां तक याद रखे आदमी, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6 गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। मम्मी को? हाँ इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस, अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए सर, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, बड़ी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। बहुत अच्छे। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है साहब, मोबाइल पे आदमी आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILVY, और एक साथ 25-30 को सेंड। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। क्या कहने, वाह वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता
रखते थे कैसे खत्म कर ले जाने का। हाय हाय।